हेलो दोस्तों, यह है पल्सर N160 यानी कि 160 सीसी और BS6 वाला बाइक है। ये बाइक में स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो हल्का थ्रॉटल घुमा से काम नहीं बन रहा है, फुल थ्रॉटल जब घुमा रहा है तब बाइक का स्टार्ट हो रहा है और बाइक का जो पिकअप है मिसिंग हो रहा है। पहले आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद इस बाइक को हम लोग ठीक करेंगे। देखो स्टार्ट नहीं लेगा, अब थ्रॉटल फुल खींच कर और मारेंगे। स्टार्ट ले लिया, देखो अब पिकअप दूंगा। देखो फुल जब दे रहा हूँ, फुल जब दे रहा हूँ बंद हो रहा है। देखो चलो बंद करते हैं। तो सबसे पहले FI इंजन में होता है क्या, एक टैंकी के अंदर फ्यूल पंप की मोटर दिया जाता है, वो सब टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए टैंकी खोलता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम लोग फ्यूल की प्रेशर चेक करते हैं। चलो कि सेल्फ का चेक करो, मारो फुल थ्रॉटल दो। छोड़ दो। प्रेशर जो है 40 नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो टैंकी ओपन करो, ओपन करने के बाद मोटर चेंज करेंगे। ये जो फ्यूल पंप आप देख रहे हैं, ये फ्यूल पंप किस बाइक का है, TVS Apache RTR बाइक का ये है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मोटर और ये IC चेंज करेंगे। तो ये हम लोग का IC और ये मोटर दोनों एक साथ चेंज कर देंगे। तो चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जब भी आप लोग वायर खोले, सभी का स्क्रीन शॉट फोटो लेकर यानी कि वायर को आप लोग खोलिए, जो लाल कहाँ पर है, ब्लैक कहाँ पर है, वाइट कहाँ पर है। तो मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया था और यानी कि फिटिंग भी हमने कर दिया है। अगर आप लोग गलती कर लिया तो एक बार सुधरा लीजिए। चलो ठीक है, और बाइक में लगा कर आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। बंद हो गया। बंद हो गया है। तो अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो रहा है और पिकअप मिसिंग कर रहा है। तो मेरे पास एक इंजेक्टर है इस बाइक का, वो भी लगा के देखेंगे। तो चलो टैंकी ओपन करो, इंजेक्टर तो लगाओ। तो दोस्तों अभी हमने थ्रॉटल बॉडी खोला, सब कुछ करके देख लिया, इंजेक्टर की लगा के देख लिया, सब लगा के देखा, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करेंगे। तो ये देखिए, ये जो आइडियल हम लोगों का है, यहाँ हम लोगों का लीकेज कर रहा है और देखो ट्रस कितना पड़ा हुआ है। तो सारे के सारे चीज़ हम लोग वॉश करने के बाद एक बार आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। चलो बाइक स्टार्ट करो। बाइक का स्टार्ट नहीं गिर रहा है और पिकअप देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी चल रहा है बाइक। तो प्रॉब्लम जो था थ्रॉटल बॉडी के अंदर हम लोगों का प्रॉब्लम था, चलो बंद करते हैं। तो बाइक का जो इंजेक्टर था, इंजेक्टर मैंने खोल के रख दिया और फ्यूल पंप की मोटर भी मैंने रख दिया, क्योंकि मेरे पास है कोई भी बाइक में लग जाएगा। तो अगर हमारे पास इंजेक्टर फ्यूल पंप का मोटर ये सब रहे तो अगर लगा के देखे तो हम लोगों का जो फोल्ड है जल्दी पता में चल जाता है। तो आप लोगों ने देखा इस बाइक में एक्चुअली फोल्ड था थ्रॉटल बॉडी के अंदर। एयर फिल्टर मैंने खोल के देखा, एयर फिल्टर भी ठीक था। तो चलो आज थ्रॉटल बॉडी वॉश करने के बाद जो बाइक है, बाइक का ट्यूनिंग सही आया और
आइडियल भी रुक गया है। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को इसीलिए दिखाया कि छोटा से छोटा महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है एक बाइक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ख़राब हो जाता है तो बाइक ख़राब चलता है। तो अभी जो है बाइक सही चलने लगा है और बैटरी डाउन है, किक पे मारो, एकदम किक पे सही चल रहा है बस। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू।